नमस्कार छात्रों, निमित्स ब्रेल कोड के इस सीरीज में 12वें खंड में हम लोग समुच्चय के बारे में अध्ययन करते हैं। गणितीय चिन्ह क्या, प्रिंट के गणित चिन्ह क्या हैं, ब्रेल के लिए कौन कौन से बिंदु प्रयोग किए जाते हैं और ब्रेल चिन्ह कैसा बनता है उनके लिए, इन सब विषयों पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा करते हैं। घटक सदस्य चिन्ह आपके सामने है, ई के आकार का कुछ होता है, आप देख पा रहे हैं, संपूर्ण ई नहीं बनता। इसके लिए ब्रेल बिंदु है 4 और 1.5, 4 और 1.5, अर्थात एक सेल में 4 की डॉट और दूसरे सेल में 1 और 5 की डॉट। अब उलट घटक को जब करते हैं तो फिर वही ब्रेल बिंदु 4 और 2.6, पहले सेल में 4 की डॉट और दूसरे सेल में 2 और 6 की डॉट। उपसमुच्चय के लिए हम 3 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4, 5, 6 की डॉट, दूसरे सेल में 5 की डॉट और तीसरे सेल में 1 और 3 की डॉट। मैं पुनः दोहरा दूं, 3 सेल का प्रयोग करते हैं, 4, 5 और 6 की डॉट पहले सेल में, दूसरे सेल में 5 की डॉट, तीसरे सेल में 1 और 3 की डॉट। उलट उपसमुच्चय, यहाँ पे 3 सेल का प्रयोग होगा, पहले सेल में 4, 5 और 6 की डॉट, दूसरे सेल में 4 और 6 की डॉट और तीसरे सेल में 2 की डॉट लगाएंगे। संघ समुच्चय, इसके लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4 और 6 की डॉट, दूसरे सेल में 1, 4 और 6 की डॉट। प्रतिच्छेदन समुच्चय, इसके लिए 2 सेल का प्रयोग करते हैं, 4 और 6 की डॉट और दूसरे सेल में 3, 4 और 6 की डॉट। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे शून्य तिर्यक रेखा द्वारा, शून्य में तिर्यक रेखा द्वारा, तो वहाँ के लिए 2 सेल प्रयोग करते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए, पहले सेल में 4, 5 और 6 की डॉट, दूसरे सेल में 2, 3 और 6 की डॉट, पहले सेल में 4, 5 और 6 की डॉट, दूसरे सेल में 2, 3 और 6 की डॉट। मझले कोष्टक द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग कुल 4 सेल का प्रयोग करते हैं, पहले सेल में 4, 6 की डॉट, 1, 2, 3, 5, 6, फिर 4 और 6 की डॉट, फिर 2, 3, 4, 5, 6। फिर से दोहरा दूं, 4 और 6 की डॉट, 1, 2, 3, 5, 6 और फिर 4 और 6 की डॉट, 2, 3, 4, 5, 6। कोष्टक ओपन करने के लिए 4 और 6, 1, 2, 3, 5, 6 और कोष्टक बंद करने के लिए, मझले कोष्टक को बंद करने के लिए 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग इसके कुछ नियम के तरफ चलते हैं और उदाहरणों की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके क्या नियम हैं। तो संघ एवं प्रतिच्छेदन समुच्चय चिन्ह संक्रिया चिन्ह हैं, अतः इनके पहले व पश्चात कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अन्य सभी चिन्ह तुलना चिन्ह हैं, अतः इनके प्रयोग से पहले व बाद में खाली स्थान छोड़ना आवश्यक है। मैं पुनः दोहरा दूं, संघ एवं प्रतिच्छेदन समुच्चय चिन्ह संक्रियाय चिन्ह हैं, अतः इनके पहले व पश्चात, इनके बाद कोई स्थान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य सभी चिन्ह तुलनात्मक चिन्ह हैं, अतः इनके प्रयोग से पहले व बाद में खाली स्थान छोड़ना आवश्यक है। उदाहरण आप लोगों के सामने है, आप उसको देख करके प्रश्नों को हल करने में और अपनी सूझ बढ़ाने में उसकी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।